हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले पालक। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले छोले को उसमें कुछ गरम मसाले लाइक बड़ी इलायची, लौंग, काले मिर्च, दालचीनी और हल्का नमक और हल्की हल्दी डालकर उसे बॉईल कर लेंगे अच्छे से। 5 से 6 सीटी लगा देंगे बॉईल होने के लिए, गैस पर चढ़ा देंगे। उसके बाद पालक को अच्छे से वॉश करके इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद हम कट करेंगे, ग्रेवी की तैयारी करेंगे। प्याज कट करेंगे, लहसुन तो मैंने लिए यहाँ पे 1.5 प्याज, 1 लहसुन, 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर। इन सबको बारीक काट लेंगे। तो पालक देखिए अच्छे से बॉयल हो गया है, तो उसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और जो हमने प्याज टमाटर कट किए थे उसे हम सॉटे कर लेंगे, यानी अच्छे से फ्राई कर लेंगे नमक डाल के हल्का। जब ये भी फ्राई हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए, तो फिर हम उसे मिक्सी में पीस लेंगे, उसका भी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और फाइन पेस्ट जो हमने बनाया था प्याज और टमाटर का वो डालेंगे। उसको 2 मिनट तक भूजेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, सब्जी मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसको कुक करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक पानी डाल के, ताकि मसाले जले नहीं, अच्छे से कुक हो जाए। जब वो कुक हो जाए तो उसमें पालक की प्यूरी जो हमने बनाई थी वो ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से पका लेंगे 1 मिनट के लिए। और फिर उबले हुए छोले उसमें डाल देंगे और इसको 5 मिनट तक बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो पालक का जो रस है वो थोड़ा सा छोले में चला जाए, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमारा छोले पालक बनकर तैयार है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट।